Hey guys, welcome back to the Stocks and Trades channel. In today's video, I'll be discussing about how I trail my stop losses and how I exit my position. So let's get straight to the topic. So as you can see, this is a chart of Astra Microwave PR. I took my entry somewhere here. What I saw that, मेरा चीज़ें बहुत clear है दोस्त. अगर 1 hour demand zone taken out नहीं होता है, I will be holding my stop. स्टॉक तो क्या करते हैं अपने 1 hour डिमांड जोन को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे ट्रेड विनर बन गए हैं. विनर को लूज नहीं करना है. जनरली लोग यही करते हैं, विनर को लूजर बना देते हैं. तो अपने को नहीं करना है. तो एज यू कैन सी दैट मेरा ऑलरेडी टारगेट हिट हो गया है 1:3 का. जब मैं टारगेट हिट हो गया एंड स्टिल आई वॉन्ट टू होल्ड दैट ट्रेड, आई जस्ट ट्रेल माई स्टॉप लॉसेस टू द 1 hour डिमांड जोन. इसके नीचे अगर ब्रेक हुआ या फिर कोई कैंडल दिखा मेरे को, ब्रोकन टाइप ऑफ कैंडल जहाँ पर तोड़ दिया है ये सोन, देन आई विल हैप्पली एक्सिट माई पोजिशन. तो पहला चीज़ क्या कर सकते हो आप, जब भी आप कोई पोजिशन ले रहे हो, 1 hour डिमांड जोन ब्रेक करे, जैसे आप मार्केट में मूव कर रहे हायर हाईज हायर लोस पे, जैसे 1 hour डिमांड जोन ब्रेक करे, यू शुड एग्जिट द पोजिशन. अगर आप बड़े टाइम फ्रेम का वेट करोगे कि वो चेंज होगा, विच मीन्स छोटा छोटा टाइम फ्रेम बड़ा बनता है, राइट. अगर आप बड़ा का वेट करोगे ना, तब तक ये प्रॉफिट खा चुका होगा. छोटा टाइम फ्रेम को हम लोग कलेक्ट करेंगे तब एक बड़ा टाइम फ्रेम बनता है. सो अपने को क्या करना है, 1 hour डिमांड जोन पर जैसे ब्रीच्ड आउट हो, जैसे टेकन आउट हो, एग्जिट योर पोजिशन, हैप्पीली एग्जिट योर पोजिशन. इस तरीके से आप ट्रेल कर सकते हो. ये हो गया ट्रेलिंग मेथड. 1 hour डिमांड जोन इज अ इंपॉर्टेंट जोन. अब सपोज करो आप कोई विनर्स, सपोज करो कोई ट्रेड पे आप लिए हुए हो. सो टेक एन एग्जांपल, मार्केट हायर और हायर लोस के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है एंड यू वांट टू एग्जिट दैट पोजीशन. आपको समझ में नहीं आ रहा है आप करें क्या. आपको भी सिंपल चीज़ करना है, कुछ नहीं करना है. जब आप पोजीशन लिए हो और डे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन ब्रीच्ड हो जाए, जैसे अगर मैं यहाँ पोजीशन लिया हूँ, ठीक है, तो समवेयर आई पुट माय स्टॉप लॉस हियर, ठीक है, ये जैसे ब्रीच हो जाए ये डिमांड एरिया, एग्जिट कर दो. दिस इज अ वे टू एग्जिट योर पोजीशन. डिमांड जोन जैसे ब्रेक हो डे टाइम फ्रेम या आवरली, सॉरी 4 hour टाइम फ्रेम पे, एग्जिट योर पोजीशन, हैप्पीली एग्जिट योर पोजीशन, एक्सेप्ट योर स्टॉप लॉसेस. दिस इज फॉर द शॉर्ट टर्म. दिस मेथड यूजेज इन द शॉर्ट टर्म पीरियड. अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड में हो, आपको वीकली चार्ट पे जाना है और वीकली चार्ट पे डिमांड जोन मार्क करना है. तो ये डिमांड जोन है वीकली चार्ट का. अगर ये वीकली चार्ट का डिमांड जोन पे ये ब्रीच हो जाए, तो एग्जिट योर पोजीशन, हैप्पीली एग्जिट योर पोजीशन. टेक एन एग्जांपल, बहुत सारा सिचुएशन है जहां पर जैसे ब्रेक होता है मार्केट बहुत रैपिडली गिरता है. सो टेक एन एग्जांपल, सो दिस वाज आवर वीकली डिमांड जोन. जैसे ब्रीच हुआ, दिस वॉज अ ब्रीचिंग कैंडल, आप एग्जिट कर दो. आप यहाँ से देखो आप कितना प्रोटेक्टेड हो जाओगे, अराउंड 18-20% बच चुके हो. सो इट्स बेस्ट वे, जब लॉन्ग टर्म में हो आप, वीकली डिमांड जोन ब्रेक करें, एग्जिट द पोजीशन. अगर आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे हो, डे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन ब्रेक हो, एग्जिट योर पोजीशन. दिस इज द वे आई जस्ट ट्रेल माई स्टॉप लॉसेस एंड दिस इज द वे हाउ I exit my position. Thank you, guys.